उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने हेतु चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान समर्पण भाव से दिन रात कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। टनल में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए केंद्रीय एजेंसियां, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग एवं अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स परस्पर समन्वय के साथ तीव्र गति से राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को समानता का अधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नई चेतना जेंडर कैंपेन का शुभारंभ पूरे भारत में किया गया, जिसके अंतर्गत डोईवाला के रानी पोखर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डोईवाला विधायक ब्रिजभूषण गैरोला ने शिरकत की और महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान देहरादून जिले के साथ डोईवाला ब्लॉक के अधिकारी व स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने भी शिरकत की। से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई महिलाएं हमारे साथ एकत्र होकर ये जूट बैग का कार्य करते हैं और ये सामान हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये हमारे इस कार्य को करते हुए इस समूह में जुड़कर हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, जिसके कारण हम अपने परिवार का सहायता कर पाते हैं। सरकार द्वारा एक पहल चलाई गई है लैंगिक समानता को लेके, जिसमें पुरुष और महिलाओं को समान समझा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल महिलाएं भी अपने स्वरोजगार के लिए अलग अलग स्वरोजगार कर रही है। हमारे समूह में अब मेरे समूह में 11 महिलाएं हैं जो हम लोग ये जूट बैग का जो स्वरोजगार करते हैं, इसमें हमारी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे हमारे डोईवाला क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना अलग अलग प्रकार का रोजगार कर रही हैं। राजधानी देहरादून में आज कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर महानगर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एशले हॉल चौक पहुंचे और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि उत्तराखंड में जब से भाजपा की सरकार आई है, महिला सुरक्षित नहीं है, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा है, भाजपा से जुड़े लोग अपराध कर रहे हैं। बागेश्वर के अंदर पूर्व बजरंग दल के अध्यक्ष ने 15 साल की बच्ची के साथ जो किया है, उसके विरोध में आज पुतला दहन किया है। देखिए, जो बागेश्वर में जो वारदात हुई है, भाजपा के नेता पूर्व बजरंग दल के अध्यक्ष ने जो 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और उसके खिलाफ आज हम लोगों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। और मात्र ये एक वारदात नहीं हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों में जिस हिसाब से महिलाओं के पे शोषण के मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर स्थिर लगता है कि कानून व्यवस्था कर क्या रहा है। और मात्र महिलाओं पर शोषण के मामले नहीं है, कहीं लूट, कहीं डकैती, जो हमारे हाल फिलहाल में जो डकैती हुई देहरादून में, मुझे लगा उत्तराखंड में इतनी बड़ी डकैती आज तक नहीं हुई है। तो दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को कोई ठोस नीति, ठोस कदम उठाने चाहिए कि इस तरह की वारदातें भविष्य में ना दोहराई जाएं। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी में एक घर में दो सगी बहनों की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मौके पर पहुंची CEO वंदना वर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा बताया गया कि कुछ समय से दोनों बहनों पर भूत प्रेत का चाकर था, वहीं अभी पिता व भाई फरार है, उनसे पूछताछ के बाद ही मृत्यु का खुलासा हो पाएगा। काशीपुर कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लक्ष्मीपुर पट्टी है और यहाँ पर एक खाली मोहल्ला है, यहाँ पर एक घर में दो सगी बहनों की लाश मिली है और घर से कुछ लोग फरार हैं। तो इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा गया तो वहाँ पर दो लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र अभी वेरीफाइड नहीं है, वो उसी दोनों सगी बहनें हैं और इनकी वहाँ पर लाश मिली है और जिसको कब्जे पुलिस लेकर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा घर में इसके अभी जो परिजन हैं, इसमें इसकी माता और भाई बहन भी हम वहाँ पर मौके पर मिले थे, जिनके द्वारा कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई। 3-4 दिन से इन लड़कियों पर कुछ भूत प्रेत का इस प्रकार का साया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हुई है।
घटना थोड़ी संदिग्ध है, तो इसमें अभी हमने मौके पर फिलहाल शव को भेज दिया है और अभी जो इसके पिता और अन्य भाई फरार हैं उनकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।